इस वेले दी अहम खबर नोटबंदी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया, वड्डा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट तो। नोटबंदी नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सही दस्या गया, कहा गया कि जो करंसी बदलन दा प्रोसैस सीगा उहदे विच किसे तरीके दी कोई लापरवाही नहीं सी, कोई गलती उहदे विच नहीं सीगी। इस फैसले नूं सही ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों। दस्सदी कि सुप्रीम कोर्ट दे पंज जजां दी बैंच दे वल्लों इह फैसला सुनाया गया। बैंच ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कुछ भी गलत नहीं सी। बैंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 दे विच 1,000 ते 500 रुपए के नोट बंद करन दा ऐलान किया सी। सरकार दे इस फैसले के खिलाफ कुल 58 पटीशनां सीगियां जो कि दायर कीतियां गईयां सी। इन्हां सारयां दे उपर ही अज सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आया। सुनवाई दे दौरान कोर्ट ने सरकार तो पुछिया सी कि किस कानून दे तहत 1,000 ते 500 रुपए दे नोट बंद कीते गए सी। कोर्ट ने इस मामले दे विच सरकार अते RBI तो जवाब मंगिया सी। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर नूं दाखल हलफनामे दे विच कहा सी कि 500 अते 1,000 दे जो नोटां दी गिनती बहुत ज़्यादा वध गई सीगी, इसलिए फरवरी तो लैके नवंबर तक RBI दे नाल विचार विमर्श करन दे बाद 8 नवंबर नूं इन्हां नोटां दे नूं चलन तो बाहर करन यानी नोटबंदी दे फैसले दा ऐलान किया गया सी। तां सरकार ने यह जवाब हलफनामे दे जरिए दाखिल किया, जिसके बाद अज जो सारिया 58 पटीशनां सीगियां नोटबंदी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच दायर उन्हां दे उपर सुनवाई हुई ते वड्डा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनाया ते नोटबंदी दे फैसले नूं इस डिसीजन दे विच सही ठहराया गया। पंज जजां दी बैंच दे वल्लों यह फैसला सुनाया गया ते कहा गया कि नोटबंदी दे प्रोसैस दे विच कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं सीगी। ते भी कहा गया है कि जो आर्थिक डिसीजन हुंदे ने इस तरीके दे उन्हां नूं पलटिया नहीं जा सकदा। दस्सीए कि मामले की सुनवाई कर रही पांच जजा दी बेंच दे विच जस्टिस अब्दुल नज़ीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V राम सुब्रमण्यम अते जस्टिस BV नागरत्ना शामिल ने। संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस S अब्दुल नज़ीर फैसला सुनाने दे दो दिन बाद 4 जनवरी 2023 नूं रिटायर भी हो जाएंगे। तो उस तो पहला अज यह जो फैसला है वह सुनाया गया है ते नोटबंदी नूं सही दसिया गया है। दस दिए कि जो नोटबंदी का ऐलान होया सी तुहानूं भी याद होगा कि किस कदर लोग परेशान भी होए सीगे। सरकार कह रही थी कि तुहाडे भले दे वास्ते ही यह डिसीजन लिया गया, जो काला धन है उसनों खत्म करन दे वास्ते डिसीजन लिया गया। बैंकां दे बाहर ATM दे बाहर लंबियां लाइनां, 58 पटीशन जो ने वह सुप्रीम कोर्ट दे विच दायर कीतियां गईयां जिसके उपर अज यह डिसीजन लिया गया। मेरे सहयोगी अजय झा होर जानकारी लई फोन लाइन ते मौजूद ने। अजय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले नूं बिल्कुल सही दसिया? देखिए, निश्चित रूप से साल के पहले ही दिन और पहली सुबह सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा 2016 में नोटबंदी को लेकर जो बड़ा फैसला लिया था और उसके बाद जो विवाद हो रहा था उसको आज सही ठहराया है। तो मोदी सरकार के लिए साल के पहले ही दिन एक जीत की तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआत की है। रिलीफ भी मिला है। विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा कि नोटबंदी का फैसला RBI से बिना सलाह लिए मोदी सरकार ने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस बात को कहा था कि मोदी सरकार ने एक तरफा फैसला लिया था नोटबंदी का। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि केंद्र सरकार यानी तत्कालीन जो मोदी सरकार थी उसने RBI से सलाह लेने के बाद ही नोटबंदी का फैसला लिया था। तो एक तरह से सरकार को इतने मामले में क्लीन चिट भी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया अजय झा। तो दस दिए कि लगातार विरोधियों के वालों यह सवाल खड़े किए जाते थे कि RBI के नाल विचार विमर्श के बिना ही एक तरफा डिसीजन लिया गया है, लेकिन जो हलफनामा केंद्र सरकार के वालों दाखिल किया उस कहा गया कि कई महीने तक RBI के नाल विचार विमर्श किया गया तो उसके बाद नोटबंदी का ऐलान किया गया। तो अज साल के पहले ही कार्यकारी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के वालों वड्डा फैसला नोटबंदी नूं लैके सुनाया गया है ते इसनूं सही दस्या गया है। सरकार दे वास्ते वड्डी राहत वाली यह गल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का जो प्रोसैस सीगा उहदे विच करंसी बदलने के प्रोसैस दे विच किस तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। जे अगे वधना तां सिखना जरूरी है और सिखण लई किसे चंगी चीज तो लैणा पैंदा है सबक। दैनिक सवेरा तुहाडे लई लैके आ रहा है पंजाबी मीडिया का सब तो वक्रा प्रोग्राम सबक।